तो भाई मेरा नाम है विपुल और आप देख रहे हैं के यूट्यूबर विपुल। और भाई फाइनली आज दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है, जो आप लोगों को पता ही है पहले से ही। गोवर्धन पूजा आज ही के दिन ब्रजवासियों की रक्षा की थी श्री कृष्ण ने, जो अपनी कन की उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया था। तो हम गोवर्धन पूजा करते हैं। का समय हो गया, उधर है हमारे बड़े भाई अरविंद और आ रहे हैं पूजा करने के लिए गोवर्धन की। शाम का टाइम हुआ है, जैसे कि आज गोवर्धन पूजा है तो आज हम जैसे कि पूजा करने के उपरांत सबसे पहले क्या करते हैं, तो गाय को नमस्कार करते हैं और उन्हें ये जो प्रथम जो पूड़ी बनती है तो वो दी जाती है। ठीक है, तो हम दोनों जा रहे हैं यार वहाँ पर गाय के पास में, हम आपको दिखाएंगे हम कैसे उनको पूड़ी देते हैं और कैसे उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और हम चलते हैं अपने भाई के साथ। हाँ देखिए, अब हम पूरी लेके आ चुके हैं गाय माता के पास में। आइए मैं दिखाता हूँ गाय माता कहाँ पर है। आइए हम आपको दिखाते हैं गाय माता का परिसर। हम गाय माता को खिलाएंगे पूड़ियाँ और देखिए जैसे कि भाई खिला रहे हैं पूड़ियाँ गौ माता को। खा लो खा लो। लो गाय माता, देखिए गाय माता पूड़ी खा रही है। अब हम पैर छूएंगे गाय माता के और फाइनली देखो ये मैं भी पैर छू लेता हूँ माते। तो जैसे कि आपने देखा इस तरीके से मनाई जाती है गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजा मनाने के पीछे जो इसका उद्देश्य है वो हमारी पौराणिक जो माइथोलॉजी है, पौराणिक कथाएं हैं, उसके अनुसार भगवान कृष्ण ने जो वहाँ पर ग्वाला हुआ करते थे, जैसे मथुरा वासी थे, तो मथुरा में क्या किया था उन्होंने, एक बार बहुत ज़्यादा इंद्र ने जो है, इंद्र देवता हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा बारिश की क्योंकि अपना उनको प्रभाव दिखाना था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बारिश की, उस वर्षा से बचाने की इतनी तेज़ वर्षा हुई कि सभी लोग हाहाकार मचाने लगे। उस वर्षा से बचाने के लिए ऐसा माना जाता है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कन की उंगली में पूरा का पूरा पर्वत उठा लिया था
और ये जो भगवान तक आवाज़ पहुँचाई थी वो गायें थी जिनसे भगवान श्री कृष्ण का मन से मन कॉन्टैक्ट रहता था। तो उसी के उपलक्ष्य में हम भी उसी रीति रिवाज को मनाते आ रहे हैं और वैसे ही आज हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं। गोवर्धन पूजा में होता क्या है कि हम पूरे परिवार का जो जो व्यक्ति होते हैं सदस्य, चाहे वो जानवर हो या फिर कोई भी प्राणी हो, सबकी क्या होते हैं एक प्रतिमा सी बनाते हैं गोबर के द्वारा और फिर क्या करते हैं उसकी पूजा करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद में हम कोई नए नए पकवान बनाते हैं या पुड़ियाँ बनाकर, तो वहाँ पर जैसे कि एक खाना खिलाया जाता है वैसे ही उन जो भी प्रतिमाएँ होती हैं उनको खिलाया जाता है। फिर उसके बाद में यदि आप चाहें तो अपने बुजुर्ग को खाना दे सकते हैं या फिर गाय को देकर उसका जो भी हमारा ये रीति रिवाज है उसको संपूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद।